कौन है शादाब फारूक जिसे जामिया में गोली लगी, ऐसी है कैंपस में इमेज। नमस्कार। 30 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर चल रही गोली में छात्र शादाब घायल हुए हैं। जामिया मिलिया में MA के छात्र शादाब फारूक के हाथ में गोली लगी है। आइए जानें कौन है शादाब जो बीते एक माह से CAA NRC को लेकर विरोध कर रहे, किस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। आरोपी की गोली सीधे शादाब के हाथ में लगी थी। अजामिया प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार छात्र का नाम शादाब फारूक है। शादाब MA मास कम्युनिकेशन में दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। शादाब के बारे में जामिया प्रशासन ने बताया कि वो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट है, उनकी रुचि कला में भी है। शादाब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान जामिया ड्रामा क्लब थिएटर में के भी सदस्य रहे। उनकी रुचि एक्टिंग में होने के चलते वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जामिया प्रशासन ने ये भी बताया कि शादाब एक अच्छे सिंगर हैं। इसके अलावा वो एक ग्रेट वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। उन्हें इस कला के लिए जामिया कैंपस में बहुत अच्छी पहचान मिली हुई है। इसके अलावा शादाब एक उभरते हुए फोटोग्राफर भी हैं। उन्हें मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान कैमरे पर और अच्छी पकड़ बनाई है। उन्हें फोटोग्राफी का काफी शौक है। जामिया में शादाब फारूक के स्वभाव की भी तारीफ होती है और वो अपने दोस्तों में मददगार के तौर पर पहचाने जाते हैं। मास कम्युनिकेशन विभाग के छात्रों में शादाब की काफी खुश मिजाज और नेक दिल इंसान के तौर पर पहचान है। शादाब बीते दिनों से नागरिकता संशोधन कानून और NRP यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर हो रहे जामिया के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। वो गुरुवार को भी शांति मोर्चे में हिस्सा लेने गए थे। यहां वो आरोपी की गोली का सीधा शिकार हो गए। आपको बता दें दिल्ली के जामिया में गोली चलाने वाले की पहचान हो गई। इस शख्स का नाम है गोपाल। फायरिंग करने से पहले वह फेसबुक पर भी लाइव भी था। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में भी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च के दौरान अचानक गोपाल ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना स्थल पर जम्मू चश्मदीद ने बताया कि वो चिल्ला रहा था, किसे चाहिए आजादी, ये लो आजादी। जब उसे गोली चलाई तो एक शख्स के हाथ में गोली लग गई। किसी और को कहीं और भी गोली लग सकती थी।